अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बोलिए ना नारजी, बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? आपको मुझ पर विश्वास है ना? है ना? आप जानते हैं ना इस बात को, मैं कभी अग्नि को मारने की कोशिश नहीं कर सकती। बोलिए ना, आपको मुझ पर विश्वास है ना नारजी? बोलिए ना। अग्नि जी पर हमला मिसेज रूही गोयनका ने किया। रूही, मुझे मत मार। रूही, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? रूही, और बेटा तुम्हारे जाने के बाद तो रूही का बर्ताव ही बदल गया था। भाभी कुछ परेशान से थी या उन्हें कोई थकान थी, इसलिए उन्हें बात बात पर गुस्सा आने लगा था। वो बेकाबू हो जाती थी। आपकी बहू ने उस दिन मुझे आपकी नौकरानी बनने से बचा लिया, इसीलिए मैं उसके लिए तोहफा लाई हूँ। ठीक है, यहाँ रख दो, मैं उसे दे दूंगी। वैसे आपकी बहू है कहाँ? मैंने सोचा अपनी बहू प्रीति को उससे कुछ सीखने के लिए भेज दूँ। सेवा सत्कार ना सही तो कम से कम खाना बनाना ही सीख लेगी वो। वो घर पर नहीं है। कहाँ गई है वो? जी वो मायके गई है। कब तक आएगी? अरे उसे जब आना हो आ जाएगी। तुम्हें क्या करना है? जब वो आएगी ना तो उसे मैं घर में घुसने नहीं दूंगी, सीधे तुम्हारे घर भेज दूंगी। माँ जी आप भी ना, वो क्या है ना बिमला जी, माँ जी को थोड़ा मजाक करने की आदत है। आप पी लीजिए ना, शरबत पीजिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया, चलती हूँ। जी हाँ, प्लीज दूसरों के सामने तो कम से कम अपने गुस्से पर काबू रखा कीजिए। क्या खा काबू रखूं? हाँ? माली! क्या खा काबू रखूं? अरे अगर मोहल्ले में पता चल गया तो हमारी नाक कट जाएगी। हाँ मैं जानता हूँ कि रूही की गलती है ही इतनी बड़ी, लेकिन हमारे नाहर को उस पर पूरा भरोसा है। कम से कम उसके लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए रतन, अगर अग्नि की जगह अवनी होती तब भी क्या तुम मुझसे यही बोलते? रतन जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। रूही का गुस्सा, रूही की बदतमीजियां दिन पर दिन कैसे बढ़ती जा रही थी ये हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा है। और रूही ने अग्नि के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं रूही पे कभी भरोसा नहीं कर सकती। अब अगर रूही को बेल मिल भी जाती है ना, मैं रूही को कभी घर के अंदर नहीं आने दूंगी। जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं तो आप मुझसे मिलने ही क्यों आए? मैं तो आपके भरोसे के सहारे पूरी दुनिया से लड़ने चली थी, पर अब जब आपका ही साथ नहीं है तो क्या फायदा है सच और झूठ की लड़ाई का? रूही ऐसा नहीं कि मैं तुम पर विश्वास करना नहीं चाहता, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारी मुंह से सच सच जानना है कि हुआ क्या था। क्या करूं? मैं रूही को कल के सपने के बारे में बता देती हूँ। अरे ओहो, तो भूल ही गई थी, जीजू ने मुझे बताया था उसका फोन तो खराब हो गया। अब क्या करूँ, एक बार जीजू को कॉल करती हूँ, लेकिन वो तो ऑफिस में होंगे ना।
मैं समर को फोन करके देखती हूँ। हाँ शिट यार, जूही की फोन कर रही है, क्या बोलूं उसे। हाय जूही। समर, रूही से मेरी बात करवाना, बहुत जरूरी बात करनी है उससे। भाभी तो काम कर रही है। हाँ तो फिर फोन उसके पास ले जाओ। भाभी तो मेरा मतलब था, भाभी तो काम से बाहर गई है। बाहर? अच्छा, कब तक आएगी वो वापस? पता नहीं। हाँ आया माँ। अच्छा जूही मैं फोन रखता हूँ, मुझे ना माँ बुला रही है, ठीक है बाय। समर फोन काटती। समर को क्या हुआ, ऐसे अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे? पक्का सोनी आंटी ने कुछ कहा होगा ऐसे। वैसे भी सोनी आंटी जी अपने बेटे को पल्लू से लटका के जो रखती हैं, पर अब मैं क्या करूं, उन्हें से कैसे बात करूं, क्या करूं? इसे मिलने घर भी नहीं जा सकती, उन्हें तो सोनी आंटी जी मुझे घूर घूर के वैसे बीमार कर देंगी। हे भगवान। रूही मुझे साफ साफ बताओ, उस दिन अग्नि और तुम्हारे बीच क्या हुआ था, प्लीज। हाँ जी उस्ताद, मुझे पता चला कि वो केक मेरे लिए अग्नि ने ऑर्डर किया था। हाँ मैं जानता हूं, उसने खुद बोला, लेकिन रूही इसमें गुस्सा होने की क्या जरूरत थी, वो भी एक केक के लिए। हर्षी वो रूही, पता नहीं नार्जी, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, पता नहीं मेरे और अग्नि के बीच वो बहस होने लगी अचानक से, उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आने लगा और अग्नि ने अचानक एक रॉड उठाया और अपने आप को मारने लगी। रूही तुम ये क्या कर रहे हो, रूही छोड़ो मुझे। नार्जी नाजिन, मैं बस अग्नि को बचा रही थी, मैंने उसे नहीं मारा। एक सेकंड, अग्नि खुद को मारने लगी, मतलब वो खुद को क्यों मारेगी? आज पार्थ वापस आ रहे, उन्हें रंग कर हम अपना ये व्रत तोड़ेंगे और अपने प्यार में फिर से रंग भरेंगे। आपके साथ कोई हो या ना हो पार्थ, लेकिन आप अपनी मीरा को हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगे। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 11 बजे। एक सेकंड, पहले मुझे ये बताओ तुम दोनों में किस बात को लेकर बहस हो रही थी? नहा जी, वो हम दोनों में उस केक को लेकर ही बहस हो रही थी, पर नहा जी मैंने अग्नि को नहीं मारा, नहा जी मैं उनसे बचा रही थी, पता नहीं अग्नि को कैसे लगी, मुझे 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 कुछ याद नहीं आ रहा है नहा जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। रूही याद नहीं है का क्या मतलब, याद करो, मुझे बताओ क्या हुआ था। मतलब नाजी उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि पल भर के लिए मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। उस दौरान क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन नाजी मुझे इतना जरूर याद है कि मैंने अग्नि को नहीं मारा, मैं उसको नहीं मार सकती, मैं उसको क्या, मैं किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती नाजी, मैं नहीं कर सकती ऐसा। नाजी इंस्पेक्टर कह रहे थे कि मैंने अग्नि की जान लेने की कोशिश की, लेकिन नाजी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं मम्मी की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया नाजी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं किसी की जान लेने की कोशिश नहीं कर सकती नाजी, नहीं कर सकती मैं ऐसा। खुद को संभालो, मेरी तरफ देखो और प्लीज मुझे ये बताओ तुम्हें अचानक से इतना गुस्सा क्यों आने लगा, मुझे छोटी माँ ने भी बताया तुमने गुस्से में आकर क्या क्या किया। हाँ,
मैं तो इस घर की बहू नहीं नौकर हूं ना कि आप लोग सब गंदा करते रहिए और मैं साफ करती रहूंगी। इसके अलावा तो और कुछ काम ही नहीं है मेरे पास। ये किसी और के कपड़े थे। आप पता था जब खुद का नुकसान होता है तो कैसा लगता है। मुझे नहीं पता ना जी, इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है और गुस्सा मेरे स्वभाव में ही नहीं है ना जी। फिर भी न जाने कैसे मैंने घर वालों से इतनी बदतमीजी की, उनसे कैसे ऐसे बात किया। ऐसा लगा जैसे जैसे मेरा खुद पर काबू ही नहीं है। लेकिन नाजी ऐसा क्यों हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इससे पहले कि रूही अपने आंसुओं से नहर को पिघला दे मुझे कुछ और सोचना होगा। उन्होंने कुछ ठीक से बताया भी नहीं, यानी कि मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। एक बार जीजू को कॉल कर ही लेती हूँ, उसे रूही का हालचाल पूछ लूंगी। जूही से 2 मिनट बात कर लो ताकि उसे तसल्ली मिल जाए। मैं? हाँ, प्लीज, मेरे लिए। पहले शांत हो जाए, गहरी सांस लो। ब्रीद इन, सुनो और लो, टेंशन मत लो, एक बार बात कर लो। लो हेलो। थैंक गॉड रूही तूने मेरा फोन उठाया। तुझे पता मैं कब से तुझे फोन ट्राई कर रही थी, तुझे इतने सारे मैसेजेस कर रही थी, फिर मुझे जीजू ने बताया कि तेरा फोन बंद हो गया है। मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी। कैसी है तू, ठीक है ना? हाँ जो ये मैं ठीक हूँ। मैं किचन में काम कर रही थी ना। तू कैसी है? दादू दादी कैसे? दादू दादी भी? फोन कट गया। जूही ने ठीक से बात भी नहीं की और फोन कट कर दिया। पर समर तो कह रहा था कि रूही बाहर गई है काम से, लेकिन रूही कह रही थी कि वो किचन में कोई काम कर रही है। ये चक्कर क्या है? तो कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे ना मुझसे? एक बार फिर से फोन करके पता करती हूँ। नहीं, हो सकता है जीजू बिजी हो, क्या पता उनको कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया और उन्होंने रूही से फोन ले लिया हो। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर वेट करती हूँ, क्या पता रूही वापस कॉल करे। 2 मिनट बात करने के लिए कहा था या महफिल जमाने के लिए नहीं? मिस्टर नार, आप थाने में खड़े हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से डेट पर मिलने नहीं आए, जो बातें खत्म नहीं हो रही तुम्हारी। चलिए आपका टाइम खत्म हो गया, चलो। इंस्पेक्टर बस 2 मिनट। मिस्टर नार आपका टाइम खत्म हो चुका है, प्लीज 2 मिनट्स। हवलदार 2 मिनट के बाद इनको बाहर ले आना। ओके, ठीक है। माय फोन जी। इंस्पेक्टर इसकी प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं किस बात का खुन्नस निकाल रहा है। खुन्नस नहीं ना जी, वो बदला ले रहे हैं। बदला? कैसा बदला?
निकालो 5000 रुपए निकालो। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? तुम्हारी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चली। ये लड़की ये क्या कर रही है बता दे रिकॉर्डिंग। पहले उस औरत के नुकसान की भरपाई करो। साथ छोड़िए, अगर वीडियो वायरल हो गई तो लेने के देने पड़ेंगे। एक सेकंड, तुम और अग्नि जब बहस कर रहे थे ये इंस्पेक्टर वहां कैसे पहुंचा? इसे किसी ने कॉल किया था? नहीं नाजी, वहां तो सिर्फ मैं और अग्नि ही बात कर रहे थे। पता नहीं ये इंस्पेक्टर वहां कैसे पहुंचे। कहीं ये इंस्पेक्टर जानबूझ के तो रूही को नहीं फंसा रहा। जी सर। इन सब झमेलों में मैं तो भूल ही गया कि मुझे रूही के मोबाइल से वो हफ्ते मांगने वाला वीडियो डिलीट करना था। अभी डिलीट कर देता हूं। अरे इसमें तो पासवर्ड है, अब पासवर्ड कहां से लाऊं? कोई किसी प्रॉब्लम में, लेकिन पता कैसे करूं कि बात क्या है, क्या करूं? रूही को मेरे मैसेजेस पहुंच गए, इसका मतलब कि उसका फोन ठीक हो गया, पर उसे डायरेक्ट फोन करके पूछ लेती हूँ। नाहर जी, वो देखिए। नाहर जी, ये हमारे अनंत साथ का प्रतीक है और मैं इस पर हाथ रखकर कहती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। नाहर जी, मेरा दिल जानता है कि मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। अब आपका दिल क्या कहता है नाहर जी? मेरा दिल भी यही कहता है कि तुम अग्नि के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। रूही, आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और रूही, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर यकीन करो, मुझ पर भरोसा रखो। ट्रस्ट मी। मिस्टर नार, क्या मुसीबत है ये? किसका फोन आ रहा है बार बार? कमिश्नर साहब का फोन। हेलो सर,
जी सर। ये क्या है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हेलो रूही, रूही, हेलो आप कौन? मैडम जी, थाने में कॉल करके पूछ रही हैं हम कौन। थाने? लेकिन मैंने तो पुलिस स्टेशन में फोन नहीं किया था, मैंने तो अपनी बहन रूही गोयनका को कॉल किया है। और ये फोन उसका है, आपके पास कैसे? तू आपकी बहन है, दरअसल आपकी बहन थाने में है। थाने में? पर वो वहाँ क्या कर रही है? वो आप खुद देख लीजिए। मैम एक बार मेरी बहन से मेरी बात करवा दीजिए प्लीज। सॉरी मैडम, हमें इस तरह बात कराने की इजाजत नहीं है। सुई जेल में क्या कर रही है? क्या हुआ ऐसा? चलिए सर, आपका टाइम हो गया, निकलिए, आप बाहर निकलिए। ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगा। मिस्टर नाहर, मिस्टर माथुर, क्या हुआ? कुछ हुआ? रूही को बेल मिली, जमानत का क्या हुआ? कुछ तो बताइए। माथुर, मिस्टर नाहर, बहुत ही अच्छी खबर है, रूही को बेल मिल गई है। यह है बेल के पेपर, ये लीजिए।